इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश गोले और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। विगत दिनों मांडव में हुए भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में जीडी शर्मा द्वारा जैस संगठन पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया गया। वहीं खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है जैस को लेकर। तो आइए हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राजू पटेल से, जो प्रदेश अध्यक्ष है जैस संगठन के, क्या राजनीतिकरण कर रहा है जैस संगठन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर राजू पटेल, जैस का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। पटेल साहब, अभी पिछले दिनों सांसद गजेंद्र पटेल ने जैस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। वहीं मांडव में हुए प्रशिक्षण शिविर में भी जैस पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहना चाहोगे इन आरोपों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये भारत देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा संगठन के ऊपर जातिवाद बढ़ावा का जो आरोप लगाया है, वो पहले जयस का इतिहास उठाकर देख ले कि आज प्रदेश में जयस आदिवासी युवाओं को जुड़कर और समस्त समाज को जोड़कर नए युवाओं को राजनीतिक चेतना जो जागरण किया जा रहा है, उस संगठन के ऊपर आरोप लगाना। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आदिवासी समाज से माफी मांगे। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर पांचवें अनुसूची पैसा कानून, वन अधिकार कानून की बात करता है, वह उन्हें षड्यंत्र लगता है। और रही बात बड़वानी खरगोन के जो सांसद महोदय हैं, बड़वानी क्षेत्र के कोई से भी मुद्दे से तो वो बात नहीं रख पा रहे हैं। आज हमारे जो डॉक्टर हीरालाल अलावा जयस के संरक्षक हैं, उन्होंने सारे विधायकों में से सबसे ज्यादा सवाल जवाब किए हैं, आदिवासियों के हित को लेकर वहां पर सदन में सवाल किए हैं। लेकिन गजेंद्र पटेल के केवल जो गजेंद्र पटेल हैं सांसद महोदय, आरोप प्रत्यारोप करते हैं लेकिन काम की बात के ऊपर से मुखर जाते हैं। क्योंकि गजेंद्र पटेल कई बार जयस संगठन के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगा दिया है, उन्होंने विदेशी फंडिंग का आरोप लगा दिया। ये लगातार जयस के जो बढ़ते जनाधार को देखकर बौखलाहट की वजह से इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। तो हम गजेंद्र पटेल से कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से माफी मांगे, अन्यथा आपके खिलाफ भी आदिवासी समाज आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी दिनों में संगठन की कोई कार्य योजना हो तो उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर काम कर रहा है। मिशन 23 के ऊपर जोर दे रहा है। आगामी दिनों 20 अक्टूबर को कुक्सी में जयस महापंचायत होने जा रही है, जिसमें समस्त समाज के युवाओं को राजनीतिक के लिए, राजनीतिक प्रेरणा के लिए बुलाया गया है। और मिशन में इस बार मिशन 23 में युवा नेतृत्व को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाएंगे। क्या लगता है सर आपको कि आगामी 2023-24 के चुनावों में जयस की भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल, जयस द्वारा लगातार आज प्रदेश में 50 लाख से अधिक जयस सदस्यता अभियान जोड़ने का जो अभियान चल रहा है, इसमें निश्चय ही लगातार जमीनी धरातल बढ़ रही है। पिछले दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भी जयस की युवाओं ने, चाहे सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, सभी में जयस ने अपने कराधार बढ़ाया है। जयस निश्चय ही इस बार मिशन 23 में भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो दोस्तों, बने रहे इंडियन टीवी न्यूज पर। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।